एक गांव में बंटी, बिट्टू और पिंकी खेल रहे होते हैं। वो तीनों खेलते खेलते गांव से दूर निकल जाते हैं। तभी बंटी की नजर एक बंद पड़े सुनसान घर पर पड़ती है। वो बिट्टू और पिंकी से कहता है, अरे बिट्टू और पिंकी, वो देखो खाली मकान, चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं। ना पापा ना, मेरी माँ कहती है सुनसान मकानों और हवेलियों में चुड़ैल रहती है, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी। तू भी ना पिंकी, तूने कभी भूत या चुड़ैल देखी है या तेरी मम्मी ने? ये लड़कियाँ कितनी डरपोक होती हैं। सही कह रहे हो बिट्टू, इसे तो लेकर ही नहीं आना चाहिए था। चुड़ैल को कभी नहीं देखा फिर भी डर रही है। नहीं लेकिन हमने तो भगवान को भी नहीं देखा, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं होते। अरे यार बिट्टू, इस पिंकी से तो बात करना ही बेकार है। देख ले, तुझे अंदर नहीं चलना है तो मत चल, मैं तो अंदर जरूर जाऊंगा। ऐसा कहकर बंटी मकान की तरफ जाने लगता है। बंटी को मकान की तरफ जाता देख बिट्टू और पिंकी भी उसके साथ चलने लगते हैं। बंटी और बिट्टू, मुझे इस मकान में बहुत डर लग रहा है, मैं तो कहती हूँ चलते हैं यहाँ से, वैसे भी हम गांव से बहुत दूर निकल आए हैं। लेकिन बंटी और बिट्टू पिंकी की बात नहीं मानते और घर में घूमने लगते हैं। तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। बिट्टू आवाज़ सुनकर उन दोनों से कहता है, अरे पिंकी और बंटी, तुमने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी? मुझे लगता है इस मकान में कोई रहता है। चलो जिस कमरे में से आवाज आ रही है उस कमरे में चलकर देखते हैं। फिर वो तीनों आवाज वाले कमरे में चले जाते हैं। वहाँ अंदर जाकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। अंदर एक बच्चा जमीन पर लेटा हुआ जोर जोर से रो रहा होता है। बंटी आगे बढ़कर उस बच्चे को उठा लेता है। अरे कितना प्यारा बच्चा है, बेचारे को ना जाने कौन इस जंगल में ऐसे छोड़ गया, कितना भूखा लग रहा है। सही कह रहे हो बंटी, बेचारा कितना भूखा है, क्यों ना इसे अपने घर ले चलते हैं, यहाँ तो ये भूख से रोते हुए ही मर जाएगा। तुम दोनों ऐसा मत करो, कल को इसकी माँ यहाँ आई तो अगर उन्हें उनका बच्चा नहीं मिलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। अरे कोई नहीं आएगा, अगर किसी को आना ही होता तो ऐसे जंगल में इतने छोटे बच्चे को कौन छोड़ता। अब तुम हमारा साथ दो या नहीं, लेकिन अब ये बच्चा हमारे साथ ही जाएगा। उन दोनों की बात सुनकर पिंकी भी उनका साथ देने को राजी हो जाती है। फिर वो तीनों बच्चे को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो तीनों इस बात से अनजान होते हैं कि वो असली में चुड़ैल का बच्चा है। रात में चुड़ैल मकान में वापस आती है। अरे मेरा बेटा कहाँ गया, कहाँ है मेरा राजा बेटा, कहाँ गया मेरा बेटा, कौन ले गया उसे? कहीं कोई तांत्रिक तो यहाँ नहीं आया? अरे मेरा बेटा कहाँ चला गया, कहाँ ढूंढू उसे? ऐसा कहकर चुड़ैल घर से बाहर अपने बेटे की तलाश में निकल जाती है। उधर काफी रात हो जाने पर बिट्टू और बंटी के माता पिता दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। संतोष, ये तेरा बेटा बिट्टू तो बहुत ही आवारा है, इतनी रात रात को भी घूमता रहता है, आने दो उसकी टांगे तोड़ता हूँ। ये तेरा बेटा क्या है, ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने अकेले पैदा किया है, तुम्हारा तो कोई है ही नहीं, खबरदार जो अगर मेरे फूल से बेटे को कुछ भी कहा तो। तभी वहाँ बिट्टू, बंटी और पिंकी बच्चे के साथ आ जाते हैं। बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है। बच्चे को देखकर हरीश बोलता है, लो देख लो अपने लाडले की करतूत, ना जाने किसका बच्चा उठा लायो, चलो अब जेल चलने की भी तैयारी करो। पिताजी आप हमेशा ऐसी बातें क्यों बोलते हैं, ये मैं कहीं से उठाकर नहीं लाया हूँ, बल्कि ये बेचारा मुझे जंगल वाले मकान में मिला है। तुम दोनों भाई अभी इसे वापस जंगल में छोड़ कर आओ, हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। पिताजी हम आपके ही बच्चे हैं ना, कहीं किसी और के तो नहीं है ना, आप भी कैसी बातें कर रहे हो, कौन जाएगा इतनी रात को छोड़ने के लिए, कल सुबह जाएंगे हम दोनों। हाँ
कैसे मनहूस पैदा किए हैं तूने? मेरी तो एक भी बात नहीं सुनते। ये दोनों एक दिन हम दोनों को भी मरवाएंगे, तू देखना। देखो जी, मेरे दोनों लाडलों को तो कुछ बोलो मत, समझे? जब शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो। सो जाओ चुपचाप। उधर रात में चुड़ैल अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते उनके घर आ जाती है और खिड़की में से झांकती है। उसका बेटा बंटी और बिट्टू के बीच में सो रहा होता है। तो ये इन दोनों मनहूसों की करतूत है, ये दोनों मेरे बेटे को उठा कर लाए हैं यहाँ, अभी मजा चखाते हुए ने। अरे ओ मनहूस औरत, उठ जाओ, देख लगता है चुड़ैल आ गई है अपने बच्चे की तलाश में। अरे उठ जाओ। चुड़ैल का तो पता नहीं, देखो कहीं तुम्हारी माँ आई हो, वही इतनी रात को टपकती है रोज। जाओ दरवाजा खोलो। लेकिन हरीश दरवाजा खोलने नहीं जाता है और दरवाजा खटकने की आवाजें आती रहती है। ये देखकर संतोष कहती है, कैसा डरपोक मर्द मिला है मुझे, बताओ दरवाजा खोलने भी नहीं जा रहा है। चलो चुप करके सो जाओ, मैं ही देखती हूँ। अरे मर गई रे, ये तो सचमुच की चुड़ैल है, बचाओ बचाओ। संतोष डरते हुए अंदर की तरफ भागती है। संतोष के पीछे पीछे चुड़ैल भी अंदर आ जाती है। चुड़ैल को देखकर हरीश भी घबरा जाता है। देखा ना मनहूस औरत, मैंने कहा था तेरे ये दोनों अनमोल रतन एक दिन हम दोनों को मरवाएंगे। एक चुड़ैल आई है हम दोनों को मारने। आज तुम सबकी मौत आई है, तुम्हारे उन दोनों लाडलों को मेरा बेटा नहीं उठा कर लाना चाहिए था, मैं अब तुम सबको मार डालूंगी। सबसे पहले तेरे उन दोनों लाडलों को। तू मेरे बेटों को मारेगी? मैं आज झाड़ू से मार मार कर तुझे सीधा कर दूंगी, समझी? चुड़ैल और अपने माँ बाप का झगड़ा देखकर बिट्टू और बंटी भी बच्चे के साथ नीचे आ जाते हैं। अपने बच्चे को देखकर चुड़ैल बोलती है, मेरा बेटा, मेरा राजा, आ जा अपनी माँ के पास, इन इंसानों से दूर रह बेटा। लेकिन चुड़ैल का बेटा बिट्टू और बंटी के पास ही रहता है। ये देखकर चुड़ैल रोने लगती है। ये क्या हो गया मेरे बेटे को, वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, तुम इंसानों ने क्या सिखा दिया है इसे? हमने इसे कुछ नहीं सिखाया चुड़ैल जी, ये हमारा प्यार देखकर हमारे पास ही रहना चाहता है। वैसे भी तुम इसे क्या सिखाओगी, इंसानों की जान लेना। सही कह रही हो बहन, तुम इसे अपने पास ही रख लो, तुम्हारे दोनों बच्चों के साथ रहेगा तो ये एक अच्छा इंसान बन जाएगा। अरे चुड़ैल आंटी, आप उदास क्यों होती है? जब भी आपका मन होगा आप इससे मिलने आ जाना, नहीं तो हम इसे आपसे मिलाने ले आएंगे। फिर चुड़ैल अपने बच्चे से मिलकर वहाँ से चली जाती।